भारत अभिनंदन की भूमि है, वंदन की भूमि है, अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है, और उसी भूमि पे ऐसे महान शख्सियत आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है, जो भारत के आजादी के आंदोलन में सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और स्वाधीनता संग्राम में और देश को स्वतंत्र कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज आरबीएम न्यूज की टीम सुशांत लोक वन गुड़गांव आई हुई है। आप देख सकते हैं एनआरआई सेल बीजेपी के जो हैं दीपक वर्मा जी के नेतृत्व में यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहां लोग आए हुए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने। तो आपको बता दूं कि जो दीपक वर्मा जी जो है समय समय पर इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करते रहे हैं, तो हमारे दीपक वर्मा जी बताएंगे कि क्या प्रोग्राम था। आप सभी को आदरणीय नेता सुभाष आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती का हार्दिक शुभकामना और हार्दिक बधाई। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में नेताजी की 125वीं जयंती पे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में और हमारे भाजपा एनआरआई सेल के प्रमुख श्री संदीप देसवाल जी के देखरेख में पूरे हरियाणा में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और ये 125वीं जयंती का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में भाजपा के और प्रकोष्ठों द्वारा भी ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे यहाँ एक दूसरा कार्यक्रम संस्कृति स्कूल में भी हमारे आदरणीय पार्षद श्रीमती आरती अनिल यादव जी के नेतृत्व में और सह संयोजक के रूप में RWA सुशांत लोक के प्रेसिडेंट श्री विष्णु खन्ना जी के देखरेख में कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ था। काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पे आए थे। ये कार्यक्रम और नेताजी के प्रति जो आदर का भाव अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद से जो मिलना शुरू हुआ है, ये बरसों पहले ये शुरू हो जाना चाहिए था। और नेताजी को वो सम्मान नेताजी के रूप में मिला, वो आज तक किसी के नाम के आगे, भले वो देश के प्रधानमंत्री बन गए हों, राष्ट्रपति बने हों या बड़े ओहदे पे रहे हों, लेकिन किसी नाम के आगे ये नहीं लिखा जाता कि नेताजी सो एंड सो। आज सिर्फ और सिर्फ आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी का ही जब हम नाम लेते हैं तो उनके नाम के हम आगे नेताजी सुबरी सुभाष चंद्र बोस जी लिखते हैं और कहते हैं। नेताजी जो आप आम कॉलोनी वासियों को जो लोग हैं इनके आदर्श की क्या प्रेरणा देना चाहते हैं क्या? मैं यहाँ के जो कॉलोनी के लोग हैं और गुड़गांवा के जो लोग हैं, मैं उनको यही उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि नेताजी के आज 125वीं जयंती पे ये शपथ लें कि हम भारत की आन मान शान को जिस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और आज़ाद हिंद फौज और भारत के सैनिकों ने रखा है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और इसी मान सम्मान को ऊंचा बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे और ऐसे जोश और खरोश के साथ रहेंगे कि हमारे भारत के प्रति कोई आंख उठा के देखने का दुस्साहस ना कर सके। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। श्याम सोनी एक्स एयरफोर्स और आज
नेताजी के 135 जन्म दिवस पर आज सुशांत लोक में कम्युनिटी सेंटर में जो भविष्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, इनके ऑर्गेनाइजर स्पेशली श्री दीपक वर्मा जी और हमारे आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट श्री विष्णु खन्ना जी, उन दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और दूसरा, आज इन्होंने जैसे मेरे जैसे और भी जो सैनिक यहाँ पे थे उन सभी का सम्मान किया, उनके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। मेरा नाम सुभाष है और बाबा ने ही मेरा नाम सुभाष रखा था। वो सुभाष चंद्र बोस की लड़ाई में थे तो वे शहीद हो गए थे उसी में। तो मैं यहाँ सुशांत लोक में ही काम करता हूँ मेंटेनेंस में। 32 साल हो गए सन्ना। माता की माँ शीतला के आंगन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ये आयोजन करने के लिए दीपक वर्मा जी, राजीव छाबड़ा जी और हमारे जो सेना से अधिकारी यहाँ बैठे हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता, और आप सब जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ भारत माँ की एकता अखंडता के लिए आए हैं, आप सबके गुरुदेव के आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना। हम ऐसे महापुरुषों को हम जय हिंद के नारे के साथ सैल्यूट करता हूँ और इनके आदर्श पर चलने के लिए शपथ लेता हूँ। और आप सबके देश में एक सेवक के रूप में ही महिला मोर्चा के लिए काम करती हूँ। और मैं तो सबसे पहले ही हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी और दीपक जी जो इन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम NRI सेल के लिए किया। मैं भी एक NRI परिवार से ही हूँ और मैं बहुत खुश नसीब हूँ। और चंद शब्दों में पारिवारिक स्तर पर एक महिला के रूप में बताना चाहती हूँ कि नेताजी ऐसे ही नहीं पराक्रम लाए, ऐसे ही नहीं स्वाधीनता रहा। ये एक लाइन में ये बताना चाहती हूँ, महिलाओं को भी इतना आसान नहीं होता इस संसार में जीना। उन्होंने शादी की और जो बहुत खराब शब्द हम सुनते हैं घरों में, हिटलर हो गए हो क्या, हिटलर हो गए हो क्या, वो हिटलर ने उन्हें सम्मान दिया था। जब वो यहाँ से गए भारत छोड़कर तो हिटलर ने उन्हें सम्मान दिया और जो जेल में बंद सैनिक थे उससे उन्होंने अपना सेना बनाया और पराक्रम करने के लिए चल पड़े। जब उन्होंने एक विदेशी महिला एमिली ने उन्हें साथ दिया और उनका उनकी भावनाओं को समझते हुए उनकी पत्नी बने, उन्हें भी एक छोटे से बच्चे को लेकर अकेले ही रहना पड़ा। उनको अपने परिवार को छोड़कर जब उन्होंने जन्म दिया एमिली ने, उनको परिवार को छोड़ के भी आना पड़ा भारत अपनी स्वाधीनता पाने को। कोई महात्मा हुए जी तो पंडा जी कहलाए, लेकिन नेताजी एक ही कहलाए। नेतृत्व जो है, नेतृत्व की क्षमता सिर्फ इनमें थी और लोगों ने नेता बनने की क्षमता नहीं थी, जनता को जोड़ने की क्षमता नहीं थी, जोड़ने की क्षमता सिर्फ इनमें थी। इस कारण से नेताजी कहला, उनको नेताजी शब्द जो मिला वो अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है नेताजी के लिए। आज सभी लोग नेताजी बनना चाहते हैं, कोई महात्मा नहीं बनना चाहता, कोई पंडित जी नहीं बनना चाहता, नेताओं के लिए सब नेता बनना चाहते। नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए वो इनमें थी। सच्चाई तो ये है कि ये एक ऐसा नाम है जो नाम सुन के हम सबों के रगों में खून दौड़ने लगता है, खौने लगता है। मैं ये भी पढ़ रहा था यहाँ पे कम से कम हरियाणा से 2715 सैनिक जो थे आजाद हिंद फौज में शामिल थे, तो हरियाणा में मतलब हरियाणा का बहुत महत्व है। आज 75 साल होने जा रहे हैं आज़ादी को और हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को इनकी जो यादें थी उनको समेट के कहीं छिपा दिया गया और जनता से छुपाए रखा गया। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे भाई मोदी जी ने इसको जो है बड़े रूप में इसको मनाने का फैसला किया, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। आज अमर जवान ज्योति पे सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति की स्थापना हो रही है उससे सारा विपक्ष जो है घबराया हुआ है कि ये क्या हो रहा है। मतलब जो काम आज से 50 साल पहले होना चाहिए था वो आज कम से कम 50 साल बाद हो रहा है। उनकी 125वीं जयंती के ऊपर ये प्रोग्राम जो आयोजित किया गया है
हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव लिया गया है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इनिशिएटिव लिया है। आज उसकी भव्य प्रतिमा भी जो इंडिया गेट पर लगाई है वो हमारे सही ट्रिब्यूट है हमारे सुभाष बोस जी को, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान किया। सच के साथ।